ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 8.1 का सात नंबर क्वेश्चन बनाने चलते हैं। सात नंबर क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉट यदि कॉट थीटा 7/8 है तो साइन 1 + sin θ 1 - sin θ ये बनाना है। ठीक है, तो लिखते हैं क्या क्या अगर दिया है क्वेश्चन में, वो अगर हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया है लिख लेते हैं, दिया गया है। ठीक, क्या दिया हुआ है, 7 cot θ, cot थीटा बराबर 7/8। उसके बाद अब उसके बाद निकालना है दोनों दो क्वेश्चन निकालना है, एक में निकालना है आगे, इसको आगे इसको लिखते हैं। इसको बनाने से पहले हमको याद रहना पड़ेगा साइन थीटा कॉस थीटा के, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/h, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है इसका होता है B/p। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा B = 7 और P = 8। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से h² = p² + b²। ठीक, अब h l h ज्ञात करना है, तो हम लोग h को p के मान कितना है 8 है, 8 रख लेंगे, फिर 7 रख लेंगे, फिर h² 8, 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64, 7 के करेंगे तो 7 के ये 749 होता है, फिर h को रूट अंडर हो जाएगा, इधर आएगा तो दोनों जोड़ेंगे 7 × 4 = 9 = 13, हाथ में ले 9 × 4 = 10 = 11। अब ये निकलेगा नहीं, इसी तरह छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक, h बराबर इतना आ गया। हम लोग आगे वाला क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, नंबर वन बनाते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है एक नंबर बनाना है क्या, हाँ इसमें लिखा है 1 + sin θ, फिर 1 - sin θ बटा 1 + cos θ, 1 - cos θ। देखिए इस क्वेश्चन को हम आगे बनाने से पहले कुछ हिंट्स देते हैं। अभी आप 8.1 बना रहे हैं, ये क्वेश्चन हम 2 सेकंड में बना सकते हैं, a + b a - b, तो a² - b²। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 - sin²θ, इसको क्या कहते हैं cos²θ, फिर यहाँ पे आ जाएगा sin²θ, क्या हो जाएगा cot²θ बराबर, cot के मान कितना है 7/49 / 64, एक लाइन में बन गया। बट अभी आप हम बना रहे 8.1, जो अभी तक आप सूत्र ये जानवे नहीं करिए, जो सूत्र जानना है 8.2 और 8.3 में, अगर आपको क्लास 1 में पढ़ाया जा रहा है एबीसीडी ऑफ कोर्स नहीं पढ़ाया जाएगा, बट आप 10th क्लास में ग्रामर थोड़े बना दीजिएगा, वही बात है। इसी तरह अगर आप अभी 8th चैप्टर में जो सूत्र फॉर्मूला लगाना है वही लगा सकते हैं इसमें, और इसको इस वे में बनाना है P/h के रूप में, नहीं कि सूत्र बनाना है, सूत्र आता है 8.3 में 8.4 में यूज करना है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट इसी तरह फटाफट बना देगा, लेकिन आप IIT के एग्जाम देने वाले नहीं है और ना ही मैं IIT की तैयारी करा रहा हूँ, ये बोर्ड का लेवल का एग्जाम है। आगे चल के ऑल द बेस्ट, आप सब सबको IIT IIM सब कुछ बने, बस बेस तो यही है, बेस बनाना पड़ेगा आपको, बट अभी बेस बनाने से पहले ये मेरी फोकस सिर्फ एग्जाम बोर्ड के लिए, आपको IAS IPS बनना है तो आपको आपको बेस मजबूत करना होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। इस तो क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है P/h बटा 1 + cos, क्या होता है B/h 1 - B/h। ठीक है, यहां पर मान रखेंगे 1 + p के मान कितना है 8 है, 8 / √113, फिर उसी तरह 1 - 8 / √113 बटा, अब क्या है कि इसका मान रखना है 1 + देखिए ये थोड़ी सी लंबी होगी तो 1 + b कितना है 7 है, 7 / √113।
ठीक है, इसको यहाँ पर बनाते हैं और एक लाइन और बनाते हैं नीचे। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, तो देखिए यही सूत्र लगा लीजिए। अब इसको लिखिए 1 माइनस एक सौ तेरह ही है, ठीक है। यहाँ पे 113 रिटर्न लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसको चल चलते हैं, अगर कुछ दिक्कत हो रही होगी बताइएगा, मैं अच्छा से को इसको बना दूंगा। अच्छा से नहीं, इसको नीचे वाला नहीं दिख रहा हुआ तो बताइएगा। देखिए 1 हो जाएगा, अब 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। और रूट अंडर कोई भी चीज़ रूट अंडर रहता है तो वर्क भी करते हैं तो इतना हो जाएगा। फिर 1 माइनस 7 से 49, 113, ठीक है। ये 113 माइनस 64 बटा 113 माइनस 49 बटा 113, यहाँ में मिस प्रिंट, रुकिएगा एक सेकेंड, थोड़ा सा मैंने जल्दी लिखने के चक्कर में, यहाँ देखिए ये गुना करेंगे 113 बटा 64 माइनस 64 और 113 लिख लेंगे, ठीक। ये बटा, ठीक, ये ऊपर वाला का इतना ही काम है, ठीक। अब ये नीचे वाला काम करते हैं, 113 क्या होगा कि बटा में जोड़ है तो 113 49 बटा 113, ठीक। अब 113 में से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 बटा 113, ये क्या हो जाएगा, 64 बटा 113, ये घटाइएगा तो 164 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, ये ऊपर चला जाएगा 113 बटा 64, ये थे कट गया 49 बटा 64, आंसर, ठीक है। इस ये पहला चैप्टर, ये पहला का, इसी में दो का दूसरा है, ये इसी में एक दूसरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें बता, क्वेश्चन पूछ रहा है वनली कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोगों को कॉट थीटा देवे किया है, तो कॉट थीटा का मान कितना है, 7/8 स्क्वायर डाल देंगे, साथ साथ है 49 बटा 28 64, आंसर। ये क्वेश्चन के नीचे लिखेगा, देखिए मैं आपको बिहार बोर्ड के लेवल पर पढ़ा रहा हूँ, ये लिखना जरूरी है, दिया गया है। इसके बाद सीरियस एकदम स्टेप भागना नहीं है। यहाँ पे सूत्र कौन सा लगा है आपको बता दें, यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी का, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। और रूट, एक और ट्रिक देखिए, इसका √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, ठीक। तो इसी तरह ये बातें हैं, और चलिए हम दूसरा वीडियो बनाते हैं।